अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपनी चैनल में बनाने जा रही हूँ सिंपल स्पॉन्ज केक, जो मैं विदाउट ओवन बनाऊंगी। पहले मैंने ऑलरेडी ओवन में बना के उसकी रेसिपी अपलोड कर दी है अपने चैनल पे। आज जिनके पास ओवन मौजूद नहीं है, उन्हें मैं तरीका बताऊंगी कि वो पतीले में कैसे बना सकते हैं। तो उनके लिए हमें सिंपल से इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं। 4 अदद अंडे, 1 कप ऑफ शुगर यानी कि 1 कप चीनी, 1 कप ऑफ पर्पस फ्लावर यानी कि 1 कप मैदा एंड 1 कप ऑफ कुकिंग ऑयल। ये 1 कप पूरा नहीं है, थोड़ा सा कम यूज़ कर रही हूँ मैं, फिर ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। तो सबसे पहले हम एक एक करके हम सारे अंडों को तोड़ लेंगे ग्राइंडर में। इस तरह मैंने सारे अंडे ग्राइंडर में तोड़ लिए हैं। अब मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर दूंगी और साथ ही हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। ये सब चीज़ें में मैंने स्टोव स्टैंड, चूल्हे का एक स्टैंड रख दिया है। आप कोई भी जाली स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। इसे प्री हीट करने के लिए मैं मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। तब तक हम केक का बैटर तैयार कर लेते हैं। अंडे, चीनी और ऑयल को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब एक बाउल में मैं इसे निकाल लूंगी। बैटर सारा मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करती जाऊंगी और इसे मिक्सर से मिक्स कर लूंगी। हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है आहिस्ता आहिस्ता, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। आप बीटर की मदद से भी बीट कर सकती हैं, मैं आपको सिंपल तरीका इसका बता रही हूँ। ऐसे ही हम सारा मिक्स करके बैटर तैयार कर लेंगे। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम बाकी का भी मैदा हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे ऐड करने के बाद इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत सिंपल और बहुत इजी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखें, इसके अंदर कोई लम्स नहीं है। अब हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब लास्ट में हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे। बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो गया। सिंपल केक पैन मैंने यहाँ ले लिया है। ब्रश की मदद से मैं इस पे ऑयल लगाऊंगी।
आपके पास बटर पेपर अवेलेबल हो तो आप वो यूज़ कर लें। मैं सिंपल रजिस्टर का एक पेज यूज़ कर रही हूँ जिसे मैंने इस केक पैन के मुताबिक कट कर लिया है। ये पेज इसमें लगाने के बाद इसके ऊपर भी हम कुकिंग ऑयल लगा लेंगे ताकि केक हमारा पैन से चिपके नहीं। ये लगाने के बाद हम इसे साइड पे रख देंगे और बैटर को एक दफ़ा अगेन मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया इसे मैंने, अब हम इसे केक पैन के अंदर डाल देंगे। बैटर मैंने इसके अंदर डाल लिया, अब हम इसे लेवल में ले आएंगे। अब ये रेडी है। पतीले को प्री हीट करने के लिए 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया था। ये देखें, ये तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर केक पैन रख देंगे और अब हम इसे कवर कर देंगे बेक होने के लिए 30 मिनट के लिए। अगर हमें प्रॉपर टाइम ज़्यादा चाहिए होगा तो हम इसे चेक करके, पूरे 40 मिनट हो गए हैं। इसे मैंने लो फ्लेम पे रखा हुआ था। ये देखें, हमारा केक बन के रेडी है। हम इसे एक पिक की मदद से चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये अंदर तक पक चुका है अच्छी तरह। अब मैं इसे पतीले से बाहर निकाल लूँगी, अब मैं इसे खोल लूँगी केक पैन को। केक पैन मैंने इसको उतार लिया, नीचे वाली प्लेट भी हम इसकी साइड पे कर लेंगे और केक की साइड चेंज करके इस पे जो हमने कागज़ लगाया था वो भी उतार लेंगे। ये देखिए, नीचे से भी कितना नाइस कलर आया है। मैं आपको इस साइड से भी चेक करके बता देती हूँ। ये देखें, हमारी टूथपिक बिल्कुल साफ है। अब हम इसकी फ्रंट साइड कर लेंगे। इसके नीचे से मैंने पेज उतार लिया है। हमारा केक दोनों साइडों से पक चुका है। अब मैं आपको इसे कट करके दिखा देती हूँ। ये देखें, अच्छी तरह हर साइड से ही पका हुआ है और कितना सॉफ्ट है। मज़ेदार सिंपल स्पॉन्ज केक की रेसिपी बनके तैयार है। ये बहुत मसी की रेसिपी है, आप इसे ट्राई करें। अगर आपके पास ओवन मौजूद नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल केक पतीले में भी बना सकते हैं। और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।